हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। अगर आपने इंग्लिश चूज़ करी हुई है डिसिप्लिन में तो ये सब्जेक्ट है वर्ल्ड लिटरेचर। इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें वाल्मीकि का है जूठान, इसके अलावा चिनुआ अचेबे का है थिंग्स फॉल अपार्ट, स्टोरीज़ हैं आपकी लिविंग लिटरेचर से, इसके अलावा मार्क्यूज़ है बल्थासार का है मार्वेलस आफ्टरनून है, पैज है द ब्लू बकेट है, डी एसे फ्रॉम लिविंग लिटरेचर्स है एंगुई व थंगो फ्रॉम डी कॉलोनाइजिंग द माइंड, पोएट्री है आपकी निरुबा फेबल ऑफ द मिरमेड एंड द ड्रंक्स वैलकॉट नेम्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कवर होंगे। अब जो हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे वो रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है और एसओएल वाले बच्चों का जून में है, तो हम उसी के बेसिस पर आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यार पेपर ऑफ कोर्स 75 मार्क्स का होगा और इंग्लिश का पेपर है तो यार पूरा पेपर इंग्लिश में ही करोगे। इस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन हैं, ठीक है, और दोनों पार्ट्स करना कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इसी तरह से सेक्शन बी में भी आपको 3 ही क्वेश्चन करने होंगे लेकिन वहाँ हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आई फील अमेज्ड व्हेन आई लुक बैक ऑन दोज डेज एंड द थिंग्स दैट आई लर्न टू टॉलरेट, हाउ मच माई एबिलिटी टू टॉलरेट हर्ट फ्लंग एट मी हैज़ टेकन आउट ऑफ मी। इस पर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द अबव लाइन, जो ऊपर मैंने लाइंस बताई क्वेश्चन नंबर 1 में, ये पूछ रहे हैं उस लाइन को आइडेंटिफाई करो और एनालाइज करो। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज लर्न टू टॉलरेट, इस फ्रेज का लर्न टू टॉलरेट का क्या सिग्निफिकेंस है। एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर एज ब्रॉट आउट थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के थ्रू जो कैरेक्टर है, जो नरेटर है, उसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है वो लिखिए 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिकिमुफुना एंड नोए इन थिंग्स फॉल अपार्ट, इस नॉवल के अंदर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एंड एनालाइज द फॉलोइंग लाइन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द सिम्बल्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रूट्स, इन लाइन्स को आपको एक्सप्लेन करना है और एनालाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है। My race began as the sea began, with no nouns and with no horizon, with pebbles under my tongue, with a different fix on the stars. But now my race is here, in the sad oil of Levantine eyes, in the flag of Indian fields. तो ये कुछ phrases लिखे हुए हैं, इसको आपको analyze करना है, explain करना है, right? ये third question है section A का। Section A का fourth question, my girlfriend has this whim, she wants a bucket of blue eyes and around her there hard to find, won't help you, they are brown not blue। ये कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है, आइडेंटिफाई और एनालाइज करना है ऊपर वाली लाइंस को विद एम्फेसाइज ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर, कलर का सिग्निफिकेंस, कलर की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करते हुए इन लाइन को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लाइक सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द, ये कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, रिमार्क ऑन द रोल ऑफ स्कूल्स एंड टीचर इन कॉलोनियल केनिया डिस्कस विद रेफरेंस टू हिज मेमोरीज ऑफ स्कूल इन डी कॉलोनाइजिंग द माइंड। तो ये 5 आपके क्वेश्चन सेक्शन ए में से हैं जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं 10-10 मार्क्स के। पार्ट बी अगेन इसमें भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द जर्नी ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन जोठून इज इसेंशली अ क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 7th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द टाइटल ऑफ एचईबी नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, इन व्हाट वेज डज इट ऑफर अ क्रिटिक ऑफ द कॉलोनीज वर्जन ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेरुबास पोयम द फेबल ऑफ द मिरमेड एंड द ड्रंक्स एग्जामिन द वायलेंस क्लैश बिटवीन इररिकॉन्सिबल बाइनरीज, एलेबोरेट एंड एक्सप्लेन द पोस्ट कॉलोनियल शॉर्ट स्टोरी
often challenge the convention of realism in order to bring out the multiplicity of layers in marginalized cultures. Elaborate with reference to Paz or Marquez. और लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंग्री क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डिस्कस द आइडिया दैट लैंग्वेज इज नेवर न्यूट्रल स्पेशली इन द कॉलोनलाइज कंट्री. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने कवर अप किए हैं, और एक दो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपको लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आए हैं, और बाकी इसमें आप लोग देख सकते हो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने कवर किए, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो अगर आप इस चैप्टर को थोरली स्टडी कर रहे हो, इस सब्जेक्ट को थोरली स्टडी कर रहे हो तो. ऑल राइट, कि इसके अलावा आप ये जो आपका थिंग्स फॉल अपार्ट वाला नॉवल है, ये इसमें दो क्वेश्चन आए हैं, और मार्क्स में से भी क्वेश्चन आया है, और इसमें से भी जो हैं दो क्वेश्चन आपके आए हैं. पोएट्री भी आई है इसमें नेरुला वाली, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आप काफ़ी ब्रीफ चीज़ें हैं, इनको सबको करके चले जाओगे तो पूरा पेपर इजीली कर सकते हो, या एक दो चीज़ें छोड़ भी दोगे तो भी आप पूरा पेपर इजीली कर सकते हो, बिकॉज टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 5-5 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में, और 3-3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा. थैंक यू.